नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्नाह अपडेट और मैं हूं साहिल कुमार। दर्शकों, जिस तरह की अभी आजकल चुनावी मंच बिगुल बज चुका है, आइए आपको एक कांग्रेस वरिष्ठ नेता से बात करवाते हैं, पंडित पवन रैना जी। पवन रैना जी, आपका आरएसपुरा बिश्नाह अपडेट में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पवन रैना जी, आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी आज चुनावी मंच में निकली है? चुनावी मंच में देखो बहुत मुद्दे हैं। केंद्र सरकार जब तक मोदी प्रधानमंत्री जी रहे, राज्य में सरकार इनकी रही, इन्होंने देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा बिगाड़ा है। उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया जो कि देश का नाम ऊंचा हो या जिससे लोगों की भलाई हो। मैं समझता हूं जब से ये दोनों सरकारें थी, राज्य और केंद्र में, आप देखें राज्य के हालात इतने ख़राब हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। आर्मी वाले मारे गए, सिविलियन मारे गए राज्य में, और हमारे कहीं लोकल लोग भी मारे गए। आतंकवाद पर यह सरकार काबू नहीं पा सकी, बिल्कुल टोटल और टोटल फेलियर रही राज्य में और केंद्र में। सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह आजकल बॉर्डर पे गतिविधियां बढ़ गई हैं, लोगों में काफ़ी रोष देखा गया है, इसके ऊपर कांग्रेस सरकार की क्या रणनीतियां रहेंगी? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा बॉर्डर के लोगों के साथ रही। जब हमारी राज्य में हमारे केंद्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है जो इस वक्त वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बॉर्डर एरिया के लोगों से, विजयपुर से लेकर रामगढ़, अनंतपुर, आरसपुरा, शेदगढ़, नशहरा सेक्टर, जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर रखते हैं, उन्होंने बॉर्डर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बॉर्डर के लोगों के लिए एक पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया था कि जो कि 5-5 मरले के प्लाट बॉर्डर के लोगों को पीछे दिए जाएं। और जब उनकी सरकार चली गई फिर वो हम कर नहीं सके, क्योंकि हमारी सरकार चली गई। आज भी बॉर्डर के लोगों के लिए हमारी प्लानिंग है कि बॉर्डर के लोगों को पीछे 5-5 मरले प्लाट दिए जाएंगे। जब भी हमारी राज्य में या केंद्र में सरकार आती है तो हम बॉर्डर के उन लोगों को पीछे 5-5 मरले प्लाट देने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब आज भी वचनबद्ध है और ये काम हम करेंगे। इसीलिए हम बॉर्डर के लोग आज बॉर्डर पर इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई डेवलपमेंट नहीं की है। पिछले दिनों मैंने आरसपुरा, शेदगढ़, वो अब्दुलिया और सही वगैरह हर एरिए का टूर लगाया। मैंने देखा सरकार ने जो बंकर की घोषणा की थी वो भी बंकर अभी तक पूरे नहीं किए, जबकि वो कांग्रेस के टाइम की प्लानिंग थी। इसलिए बॉर्डर के लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के हक में मतदान करें और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएं। हमारा एमपी मेंबर पार्लियामेंट बनने पे आज देखें तो जुगल शर्मा जी बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर रहे पिछले 5 बरस से, उन्हें कभी पार्लियामेंट में कोई बॉर्डर का मुद्दा, चाहे रिफ्यूजियों का मुद्दा, चाहे SC ST का मुद्दा, किसी कम्युनिटी का, चाहे जम्मू कश्मीर या जम्मू पुंछ लोकसभा का कोई मुद्दा उन्होंने राज्यसभा में नहीं उठाया। इसीलिए आज गठबंधन होकर बीजेपी को रोकने के लिए हमारी पार्टी ने साझा उम्मीदवार रमन बल्ला दिया है। हम बॉर्डर के लोगों से अपील करते हैं कि वो भरपूर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करें, और ये उम्मीदवार एक हमारा अच्छा उम्मीदवार है, मुझे पूरा यकीन है जय जीत के पार्लियामेंट में जाने के बाद बॉर्डर के मसले उठाएंगे, और जो बातें मैंने आपको बताई वो मसले सब कांग्रेस पार्टी ये हल करेगी और हल करके रहेगी। जिस तरह श्यामलाल शर्मा जी ने इस बार अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी में इससे कोई बदलाव आएगा, कोई झटका लगेगा? देखो, श्यामलाल शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। श्यामलाल शर्मा जी मेरे से जूनियर हैं, उनके भाई साहब जब मेंबर पार्लियामेंट बने तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से वहाँ उनको MLA का टिकट दिया गया, और गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से वो वहाँ से MLA बने, और कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना दिया, कैबिनेट में लिया। और उसके बाद ये देखें, जब हमारी सरकार यहाँ नहीं रही तो उसके बावजूद भी गुलाम श्यामलाल शर्मा जो डिजर्व नहीं करते थे, उनसे बड़े बड़े सीनियर लोग थे, हम पिछले 40-40 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और वाइस प्रेसिडेंट इतना कुछ उनको देने के बावजूद भी श्यामलाल शर्मा जी पार्टी छोड़ के चले गए, हमें कोई खेद नहीं है। श्यामलाल शर्मा जैसे कहीं आए कहीं गए, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खेद इस बात का है मुझे श्यामलाल शर्मा पर, जो उन्होंने एक उक्त बयान दिया कि रियासत में जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी सीट राज्यसभा की बचाने के लिए किया है, ये श्यामलाल शर्मा को वहम है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो हिंदुस्तान के किसी कोने में से भी राज्यसभा का मेंबर बन के आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की देन से श्यामलाल शर्मा बने हैं, और आज अगर श्यामलाल शर्मा को मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि वो अपनी पंचायत में अगर सरपंच बन के भी आए तो मैं श्यामलाल शर्मा को सलूट कर सकता हूँ। आज के बाद श्यामलाल शर्मा
कभी सरपंच भी नहीं बन सकते, मैं तो तीसरी दफा सरपंच बन गया। पवन रैना जी, जिस तरह आप एक अच्छे नेता हैं, अगर आपको सुचेतगढ़ क्षेत्र की सीट मिलती है तो आपके क्या गतिविधियों में लड़ेंगे? देखो, जहाँ तक सुचेतगढ़ की बात है, मुझे बड़ा दुख है, पिछले तीन टर्मों से वहाँ पे हमारी पार्टी हार रही है, इसका मुझे खेद है। बाकी आने वाले समय में देखें, पवन रैना आरसपुरा सुचेतगढ़ क्या पूरे जम्मू प्रोविंस में काम कर रहे हैं। पवन रैना को पार्टी का जो हुक्म होगा, पवन रैना पार्टी का सिपाही है। सुचेतगढ़ क्या यहाँ से भी मुझे हुक्म होगा इलेक्शन का, जो पार्टी फैसला करेगी हम पार्टी हित में काम करेंगे। सर, लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसमें क्या वजह कि कांग्रेस पार्टी ने एक साझा उम्मीदवार पीडीपी के साथ खड़ा किया? नहीं नहीं नहीं, ये वहम है। कांग्रेस पार्टी देखो पूरे हिंदुस्तान में कहीं जगह पे अकेले चुनाव लड़ रही है। गठबंधन इसलिए हो रहा है, पूरे मुल्क में गठबंधन हो रहा है। गठबंधन सिर्फ इसलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब और अंबिका सानी जी और मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने इसलिए गठबंधन किया है कि फिरका परस्त ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाना चाहती है, उसको रोकने के लिए देश भर में और राज्य जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया गया है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता पवन रैना जी। आप देख रहे हैं आरसपुरा बिश्नोई अपडेट, कैमरामैन राज के साथ साहिल कुमार, आरसपुरा बिश्नोई अपडेट के लिए।